सब गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज रिकी ठाकुर। चलिए बात कर लेते हैं बिग बॉस के घर की। कल संडे था और 26 दिसंबर भी था, क्योंकि सलमान खान का बर्थडे 26 दिसंबर को है। तो सेट पे पूरा टाइम सलमान खान का बर्थडे सेलिब्रेट किया और घर वालों को मिले बहुत ही अच्छे तोहफे और अच्छी न्यूज। जी हाँ दोस्तों, क्या क्या रहा खास ये बात करेंगे, और साथ ही बात करेंगे हम अली गोनी और राहुल वैद्य के नए गेम प्लान की भी। कौन हो रहा है उनका टारगेट, ट्रूवीना, अभिनव या फिर नए लोग? जी हाँ, घर में जो चैलेंजर आए हुए हैं वो उनका शिकार होते हैं या फिर रुबीना अभिनव भी शिकार होते हैं उनका, देखना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं सलमान खान का। कल बर्थडे था और सेट पे आई रुबीना टंडन और जैकलिन फर्नांडिस। उन्होंने अपने अपने अंदाज में घर वालों को बहुत ही अच्छे तरीके से हंसाया और सेट पे केक भी काटा, और घर वालों ने भी एक बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हुए सलमान का अभिनंदन किया और कब बर्थडे उनको विश किया। और इसी दौरान हमने देखा कि एजाज खान थोड़े से नाराज नजर आए, और सोनाली भी जो कि घर में नई सदस्य है, बिल्कुल एक हफ्ता भी नहीं हुआ है उनको आए हुए, वो भी थोड़ी सी नाराज हुई क्योंकि उनको परफॉर्मेंस का मौका नहीं दिया। सलमान खान ने क्लियर तो किया कि देखिए बहुत ज्यादा लोग हैं, सबको टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जो नए सदस्य आए हैं उनको भी दिखाना बहुत जरूरी था क्योंकि शो को आगे बढ़ाना है और उनको भी थोड़ा शो का चेहरा बनाना है, ऐसा ना लगे कि वो दिखे ही नहीं। जिस बात को सोनाली ने भी बोला कि मैं नहीं हूं और मुझे भी मौका नहीं दिया, तो सलमान खान ने ऑन द स्पॉट उनको एक गाने पे परफॉर्म करने का मौका दिया, जिसमें सोनाली ने वाकई ही जान डाल दी परफॉर्मेंस में, और एजाज खान भी देखते रह गए कि ये, और वो वाकई काफी फनी था। इसके बाद सेट पे आए शहनाज गिल और धर्मेश। धर्मेश जो कि बहुत ही अच्छे डांसर है, शहनाज जो कि अपना वेट लूज करके बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिग बॉस में वेट गेन करने के बाद भी वो काफी अच्छी दिख रही थी, लेकिन उन्होंने वेट लूज किया है शायद आने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। उनका वेट बहुत ही लूज हो चुका है और वो बहुत ही शानदार लग रही थी, और उन्होंने घर में जो टास्क करवाया उसमें भी काफी इंटरेस्ट उन्होंने जगाया। जिस तरीके से घर वाले एक दूसरे के ऊपर चीजें कर रहे थे वो देखना इंटरेस्टिंग था, जिस तरीके से केक मुंह पे लगाना था और जो भी चीजें घर में जो दाग है कौन दाग है वो बोल के जो उन्होंने टास्क करवाया उसमें भी घर वालों की आपसी रंजिश दिखी, और किसकी टीम में कौन जा सकता है आगे जाके कौन नहीं जा सकता ये भी गठबंधन हमें जोड़ते हुए नजर आए। इसके अलावा घर में एक और टास्क हुआ था जिसमें कि नारे लगाने थे, और जिस तरीके से एजाज के खिलाफ नारे लग रहे थे वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग था, और विकास के दौरान जो मुंह पे केक लगे हैं, जो कि एंटरटेनमेंट में कमी है घर में, एंटरटेनमेंट के नाम पे दाग है, वो एक्चुअली विकास को खिताब चला गया। और जो नारेबाजी का टास्क हुआ उसमें जो सबसे ज्यादा नारे लगे खिलाफ, जिसके खिलाफ लगे वो थे एजाज खान। पता नहीं क्यों घर वालों को लग रहा है कि एजाज खान जो है डबल गेम खेलते हैं और कई बार वो अपने ही लोगों को धोखा दे देते हैं, तो इस वजह से भी हमने देखा कि राहुल के साथ पहले उसके ओकेशंस बहुत अच्छे थे, अब नहीं है। वही अभिनव और रुबीना के साथ अच्छे रिलेशन नहीं थे, बीच में अच्छे किए और फिर नए लोग आए तो उन्होंने रिलेशन फिर अपने चेंज कर लिए। निकी के साथ भी उनका कुछ ऐसा ही चल रहा है, तो घर वाले उनको अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं। इसके अलावा जो घर में हमने बातें देखी कि अली गोनी और राहुल वैद्य अब एक टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पुराने लोगों को लेकर नए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो उनको लग रहा है कि पुराने सदस्यों को एक साथ जोड़ लिया जाए। अभी ये आपको जानना बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा कि अगर वो नए लोगों को बाहर निकालना चाहते हैं, पुरानों को अपने साथ मिलाकर, तो ये किसके लिए फायदेमंद है और किसके लिए फायदेमंद नहीं है, क्योंकि इनको बिल्कुल भी नहीं पता। एक्चुअली राहुल और अली गोनी को लगता है कि ये पूरा गेम प्लान जो है वो समझ चुके हैं और अपने हिसाब से चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। फिल्म या फिर किसी शो के जो क्रिएटिव्स होते हैं वो बहुत बड़ी चीज होती है। हमारी ये रियलिटी शो है, इसमें जो क्रिएटिव्स हैं, जो बिग बॉस पर बैठा हुआ है, वो कब किसका गेम पलट के रखते किसी को भी पता नहीं चलता, और ये आने वाले दिनों में आपको भी दिखेगा। कहीं इनका जो गेम प्लान है अभिनव और रुबीना को साथ में मिला के पहले पुराने लोगों को नए लोगों को जो बाहर निकालना है वो कहीं ना कहीं इनका मुझे लगता है फेल होता हुआ भी नजर आएगा आगे जाके, क्योंकि बिग बॉस गेम बहुत
अच्छे से जानते हैं और जल्दी घुमा देते हैं चीजों को और किसी एक पक्ष में वो नहीं बैठने देते। हालांकि आपने देखा होगा पिछले गेमों में भी जब अली ने बहुत होशियारी झाड़ने की कोशिश की थी और उसको हर बार घेर लिया जाता है, तो इस बार भी कुछ ऐसा होने वाला है। नए लोग जो हैं वो अपनी तरफ से उन्होंने पहली टीम बनाई थी, लेकिन अभी वो खुलते मिलते नजर आ रहे हैं। घर में जो सबसे ज्यादा चालाक तरीके से खेल रहा है वो है निकी तंबोली। निकी तंबोली और एजाज खान जो कि अभी कुछ दिनों से नहीं दिख रहे हैं, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको आपको बता दूं, उसके जो सो कॉल्ड फ्रेंड थे मनु पंजाबी वो बाहर हो चुके हैं। उसके बाद इक्वेशन किसी के साथ उनका अच्छा बन नहीं रहा है, क्योंकि अली गोनी भी उसके बारे में थोड़ा समझ चुका है, राहुल के साथ भी उसके रिलेशन बहुत खराब हो चुके हैं, और अभिनव और रुबीना के साथ तो उसने पहले ही पंगा ले लिया था। तो अब नए में से वो किसके साथ अपने इक्वेशन अच्छे रखे। निकी तंबोली जो कि बात बात पे उनको बेइज्जत करती रहती है और खान के साथ वो पंगा लेना नहीं चाहते क्योंकि वो अपनी ही बातों से मुकर जाती है, तो अब उनके लिए घर में थोड़ी सी मुश्किलें आ रही हैं। तो अगर ये राहुल वैद्य और अली गोनी ये गेम बना रहे हैं कि निकी तंबोली, एजाज खान, रुबीना और अभिनव शुक्ला को मिलाकर वो पूरे जो पुराने सदस्य हैं वो एकजुट हो जाएं, जिसमें जैस्मीन भी है, तो मुझे लगता है कुछ चीजें आगे जाकर पलटने की जरूरत है, क्योंकि पुराने जो नए लोग आए हैं वो बहुत ज्यादा कम लोग रह जाएंगे और वो सारे एंटरटेनमेंट वाले ही लोग हैं, जिसमें से विकास गुप्ता ही एक ऐसा है जो कि मास्टरमाइंड अपने आप को कहलाता है और पूरा गेम का फोकस अपने ऊपर ही रखता है, जो कि हमने आज भी देखा। लेट्स सी क्या होता है, अली गोनी और राहुल वैद्य अपनी चाल में कामयाब होते हैं या फिर वो रुवीना और अभिनव को ही इस बात का शिकार बना लेते हैं, ये आगे देखना बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी बीच हमने देखा कि अर्शी खान और विकास गुप्ता ने फिर से अपना एक अलग ही ड्रामा क्रिएट करना शुरू कर दिया है, जो कि लाइट मीन होता ना कि लाइट कैमरा एक्शन वो सब कुछ उन्होंने करना शुरू कर दिया है, ताकि शो की जो सेंटर लाइन है, सेंटर पॉइंट है, वो लोग दोनों ही बने रहें। हालांकि कोई मुद्दा इतना बड़ा नहीं था जिसको हमने देखा, और उनके बीच में कुछ देर पहले हमने अच्छे से बात करते हुए भी सुना उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है। शो में अगर आपने ध्यान में देखा हो तो कुछ देर पहले ही वो बड़े अच्छे से बात कर रहे थे और अचानक ही वो ऐसी चीजें करने लपड़े जिसके ऊपर पूरा का पूरा फोकस उनके ऊपर चला जाए। आपको भी पता है दिन में अगर वो कुछ चीज करते हैं तो दिन में बाकी लोग भी जगे रहते हैं और उनको इतना मौका नहीं मिलता, या फिर कैमरा शायद उनके ऊपर नहीं जाता, और रात को अगर कोई हरकत करेगा तो सब लोग जो है वो आराम के मूड में होते हैं, तो ज्यादा एक्टिव तरीके से पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो मुझे लगता है कि इस वजह से भी अर्शी और विकास ने ये गेम प्लान किया होगा। तो अब तो मुझे साफ दिखता है कि ये गेम प्लान है, तो इनका गेम प्लान आगे जाके आपको वो भी पता चल जाएगा कि उन्होंने ये क्यों किया। हालांकि जो बड़ी बात थी वो ये थी कि अर्शी ने जब विकास को उठाया और उससे वो इरिटेट इतने ज्यादा हुए, अगर वही इरिटेशन अगर उन लोगों में तब आ जाता जब विकास ऐसी चीजें कर रहा था, तो विकास का क्या हाल होता, क्या सब लोग पानी लेकर, पानी की बाल्टी लेकर विकास के ऊपर चढ़ जाते, तो मुझे लगता है कि विकास का तो बुरा हाल कर देते उस टाइम पे। पर खैर छोड़िए, हम ये बात क्यों उठा रहे हैं, क्योंकि इस बात का कोई लेना देना नहीं है, दोनों जो कर रहे हैं वो टीआरपी के लिए और फुटेज के लिए कर रहे हैं कि उनके ऊपर फुटेज बने रहे। अब देखना इंटरेस्टिंग रहेगा कि आज मंडे है, आज रात के एपिसोड में नॉमिनेशन की प्रक्रिया होगी। नॉमिनेशन में क्या होता है, कौन किसको नॉमिनेट करता है, या फिर बिग बॉस एक बड़ा फैसला सुनाते हुए सबको नॉमिनेट कर देते हैं। हालांकि मैंने आपको कल भी बताया था कि घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, क्रिसमस भी है, सलमान का बर्थडे भी है और न्यू ईयर भी है, घर वालों को तोहफा मिल गया, लेकिन संभावना है कि अगले हफ्ते हो सकता है दो एक साथ इविक्ट हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है और इस बार क्या होता है ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। मैं आपको पल पल की अपडेट देता रहूंगा, मेरे साथ बने रहिए, लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।